छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए, औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं, इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है। और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए, औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। अद्भुत सौर्य और पराक्रम की धरती है, इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था, तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की, डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं, और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं, और इसी का परिणाम है जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दासता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संत जन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है।